अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाओगे खैरियत से होंगे। तो जी, आज की वीडियो में एशिया सेट के साथ बंगा बंधु 119 KU बैंड, इसकी सेटिंग करके दिखानी है आपको, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश आई है कि एशिया सेट के साथ बंगा बंधु 119 डिग्री KU बैंड सेट करके दिखाएँ, क्योंकि हमने एशिया सेट इसी सेटेलाइट पर देखना है। तो आज की वीडियो में फिर आपको इसकी मैं सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये एशिया सेट मेरे पास सेट है, और इसकी जो वीक टीपी आपको पता है कि 10 स्पोर्ट्स वाली है, तो 10 स्पोर्ट्स वाली टीपी का ये आप देख लें सिग्नल, मेरे पास बिल्कुल फुल सिग्नल है, 41,80 और 30,000 सिंबल है ये देखें। तो मैं आपको इसका सिग्नल इस तरह भी चेक करा के दे सकता हूँ, ये देखें मैंने हाथ दिया तो सिग्नल देखें ख़त्म हो गया है, और अभी ये देखें हाथ हटाने से दोबारा से मेरे पास सिग्नल आ चुका है। तो फिर सेटिंग करनी है हमने बंगा बंधु की 119 डिग्री ईस्ट KU बैंड की। तो उसके लिए फिर वो सेटेलाइट सेलेक्ट करते हैं, और उसकी टीपी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टीपी है जो कि बड़ी आसानी के साथ आप सेटिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये इसकी टीपी है, ये आप देख लें 11,725 और 17,500, तो ये इसका सिंबल है, वर्टिकल में है। तो ये टीपी बड़ी आसानी के साथ आप इसकी सेटिंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेटिंग के लिए ये देखें थोड़ा सा कैमरे की पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, और मोबाइल को यहाँ पे मैं रख देता हूँ, और ये वाली केबल उतार के तो KU बैंड में हम लगा देते हैं। तो सिग्नल फिर इसका आपको किस तरफ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिग्नल आपको ये जो सी बैंड वाली LNB है इसके ये सामने से खड़े हैं आप, ये लेफ़्ट साइड की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ और ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे LNB रखनी है। तो और LNB का रुख भी आपने इसी तरह रखना है, तो फिर आपको इसका सिग्नल मिलेगा। तो ये देखें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसका सिग्नल हमें मिल जाए, तो इसका सिग्नल तकरीबन यहाँ पर ही मिलता है। एक मिनट मैं पत्री को फिट कर लूँ तो मैं फिर आपको दिखा, और पत्री का ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से यहाँ ये जो सुराख है ना, इस पे आप लगा दें, और लास्ट वाला जो सुराख है पांचवां सुराख, ठीक है, इस पे ही आपको सिग्नल मिलेगा, क्योंकि मैं पहले चेक कर चुका हूँ इसकी, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लास्ट वाला पांचवा सुराख है उसमें आप पत्री ये फिट कर दें, ठीक है, और LNB का रुख आप इस तरह से करें और इसको ले जाएं ऊपर की तरफ, तो फिर आपको तो ये देखें यहाँ पर मुझे इसका सिग्नल मिल रहा है। तो ये देखें थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ सिग्नल ख़त्म हो जाता है, और ऊपर की तरफ ये देखें यहाँ पर इसका मुझे सिग्नल मिल रहा है। तो ये जो नट है इसको ज़रा मैं फिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
ये हमारी LNB अभी फिक्स हो गई है और थोड़ी सी अब फाइन ट्यूनिंग करनी है कि, तो ये देखें ये मुझे इसका सिग्नल मिल गया है। ये देखें आप इसकी 11725 और सिंबल रेट है इसका 17,500। ठीक है, तो ये TP है जी BTV नेशनल की, BTV नेशनल बांग्लादेश का चैनल। तो ये देखें, ये इसका मैं आपको, ये देखें, ये मैंने हाथ दिया है तो सिग्नल ख़त्म हो गया है, और दोबारा से ये मैंने हाथ हटाया है तो ये हमारे पास इसका सिग्नल अभी आ चुका है। ये आप देख लें, तो इसकी फाइनल सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, इस तरह से है ये पत्रिका, मैंने जिस तरह बताया ना कि ये आखिरी सुराख है, और सी बैंड LNB से ये किस तरफ है, तो ये आप देख लें। ये देखें, ये जो हमारी सी बैंड वाली है तो इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में और ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आपने ये LNB ये देखें लगानी है, तो यहाँ पर ही इसका सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो अगर 4 फिट की डिश है आपके पास तो उसका फिर ये फासला थोड़ा कम होगा, वहाँ पर तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि चौथा या तीसरा सुराख, तो वहाँ पर इसका आपको सिग्नल मिलेगा। बहरहाल इस TP का सिग्नल काफ़ी अच्छा है, तो 4 फिट पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये तीसरा या जो चौथा सुराख है वो आपने यहाँ पे लगाना है, तो फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल सेटिंग है, ये आपने देख ली है, ये देखें। तो ये फिर आज की वीडियो है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।